तो किसी ने कहा कि ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? आहाहा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। शास्त्र कहते हैं जहां भगवान के भक्त पुकारते हैं भगवान उस दर उस घर में दौड़े हुए चले आते हैं। तो आप कहोगे कि भाई भक्त कौन है? बोले भक्त वो है जिसकी हर श्वास में केवल गोविंद की याद हो, वही सच्चा भक्त है। बाकी हम लोग तो मौसम वाले लोग हैं, नवरात्रि आती है तो ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, और नवरात्रि गई तो बोले अब का? बोले अब कन्हैया जी आने वाले हैं, अब दीपावली तो घर घर भगवान छाएगा है? तो हम लोग तो मौसम जैसी भक्ति करते हैं। बोले इस भक्ति का कोई आशय निकलता? बोले कुछ भी नहीं। बोले भक्ति कौन सी श्रेष्ठ है? तो बोले भैया जो दिन ना रात जीवन पर्यंत अहर्निश भगवान का भजन करता वही सच्चा और अच्छा भक्त माना जाता है। फिर महाराज क्या होता उससे? जो चाहो सो होता। क्या होता ये मत पूछो, जो चाहो। सकल पदारथ हैं जग माही, कर्महीन सुख पावत नाही। बोलो सीताराम। जो कर्महीन होता है वो सुख नहीं पाता। भगवान की भक्ति में संसार का ऐसा कोई विषय नहीं जिसको आप ना पा सको। पर आप सोचो कि हम एक पैर जगत में रखें और एक पैर भगवान की भक्ति में, काम चल जाए? नहीं 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 नहीं। पर आप कहोगे गुरुजी बाबा बन जाए? नहीं, बाबा बनने की भी जरूरत नहीं। आप कहोगे गुरुजी नौकरी छोड़ दें? नहीं, नौकरी भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं। पर आप कहोगे कि काम धाम छोड़ दें? नहीं 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 नहीं। फिर क्या करें? आप जो कर रहे उसे अपना ना मान के प्रभु की सेवा मानकर कार्य करें तो वही भक्ति बन जाता है। क्या बन जाता है? भक्ति। ऐसे समझो जैसे एक कंपनी का मालिक जो होता है उसके नीचे हजारों नौकर काम करते। बोलो हाँ जी या ना जी। अच्छा, तो कंपनी घाटे में जावे या फायदे में ये चिंता किसकी होती, नौकर की या मालिक की? बोलिए। अच्छा, कंपनी का प्रोडक्ट ना बिके तो किसको टेंशन होती है? अच्छा, कंपनी बंद पड़ी हो तो डिप्रेशन किसको होता है? अच्छा, कंपनी के ऊपर कोई खतरा मर रहा है तो पागल कौन होता है? नौकर तो नहीं। बोलिए, बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ जी या ना जी। अच्छा, टेंशन किसको? मालिक को। नौकर को तो महीना पे वेतन चाहिए। बोलो हाँ जी या ना जी। तो घाटा कौन खाता? मालिक। और फायदा भी कौन पाता? तो हम लोग गलती क्या किए हैं, अपनी जिंदगी के खुद मालिक बन गए, इसलिए टेंशन डिप्रेशन में दे गोली पे गोली खा रहे। अपनी जिंदगी का मालिक राम जी को बनाओ, खुद सेवादार बनकर रहो तो पूरी चिंता राम जी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? बोलिए, राम जी की हो जाएगी। फिर तुम तो यही कहो मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। आप कहोगे महाराज जी ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत करो जिसने भगवान पर सब छोड़ा हो, सब काम हो गए हो। देखो इस दुनिया को कौन चला रहा? भगवान। कौन चला रहा? पढ़े लिखो कुछ जो मूर्ख होते हैं वो कहते सिस्टम चला रहा। ठठरी के बरे, सिस्टम बनाने वाला ही सिस्टम चला रहा।
जिसने सिस्टम को लॉन्च किया वही ये दुनिया का सिस्टम चला रहा। कौन चला रहा? भगवान। तो प्रस्तुत उदाहरण है नरसी जी का। आहाहा, नरसी भगत का भात देने स्वयं भगवान पधारे।